हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के शुरू में आपको बताने वाला हूँ कि कल रात में ना भाई, आगे का जो दोनों एक टायर है ना भाई, टायर फूट गया था। लेकिन वो टायर बहुत ख़राब हो गया था, इसलिए टायर फूट गया था। तो अभी नया टायर बैठा दिया गया है दोस्तों। लेकिन आपको बता देता हूँ कि टायर है ना दोनों ख़राब हो गया था, लेकिन एक टायर ख़राब हुआ ना भाई, एक टायर फूटा ना भाई, तो दोनों टायर चेंज करना होता है। क्योंकि अगर दोनों एक टायर नया एक टायर पुराना नहीं रख सकते, अगर ऐसे रखते हो ना भाई तो एक साइड ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन दोनों टायर नया टायर बैठा होगा ना तो भी ख़राब हो जाएगा। तो इससे दोनों टायर नया बैठा है ना तो एक समान ही चलेगा। और एक बात बता देता हूँ कि मैंने ऐसे पैदल लेके क्यों गिरा है, जो आप देखे होंगे वीडियो में भी, जो मैंने ऐसे ही पैदल चला ले गया है। अगर उसको मैं इसको उठा कर भी दे जा सकता, लेकिन आप बता देता हूँ कि टेरेस मशीन है भाई, यहाँ पे बहुत ही गैप पे अगर अपना सीडीएक्स रहेगा ना भाई तो वहाँ पे दांत भी रख कर अभी भी इसको उठा कर भी ले जा सकते थे। लेकिन इसका है ना भाई, टेरेक्स मशीन का बहुत ही गैप है, इसमें बहुत बड़ा जगह बहुत जगह है, इसलिए मैं ऐसे उठा कर नहीं लेके गया, ऐसे ही पैदल लेके गया है। लेकिन पैदल लेके जाने से इसका मतलब क्या है कि टायर तो फूट गया था ना भाई, तो इसलिए मैं ऐसे लेके गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो टायर नया बैठा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है।